संगवारी हो हरे यहाँ के गंगकालीन माता रानी के मंदिर देख सकते हो आप लोग, दर्शन कर लीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, फिर स्वागत है जी आप मन के मोर नवा लॉगुड़ी में। तो संगवारी हो, आज मैं आ चुके हूँ कंकालीन देव दशहरा। तो आज के वीडियो में आप मल्ला कंकालीन देव दशहरा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है तीन जिला के देवी देवताओं का आगमन होता है। 52 गांव के देवी देवता कांकेर, धमतरी और बालद जिला के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक लोग आते हुए हैं। और देवी देवताओं यहाँ का यहाँ देव दशहरा है और यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होता है। तो अब आज के वीडियो में आप मल्ला यहाँ के मेला वगैरह दिखाऊँ और देव दशहरा दिखाऊँ। देखिए पूरा होटल वगैरह भी लग गया है और इधर जो है शिवलिंग है भोलेनाथ जी का। तो आप लोगों को फटाक से इधर से दिखा देते हैं, उसके बाद इधर का कंकालीन भेजा मंदिर को भी दिखा देंगे। ये है कंकालीन भेजा मंदिर। तो अभी चलते हैं इधर और आप मतलब इधर भोलेनाथ जी का जो है विशाल शिवलिंग यहाँ पे है उसको दिखा देते हैं। संगवारी हो, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इधर शिवलिंग का, इधर नंदी महाराज है और इधर देख सकते हो आप मन बहुत बढ़िया जो है शिवलिंग है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे देखिए नारियल वारियल चढ़ाए हैं, फूल पत्र चढ़ाए हैं भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर देखिए। तो अब चलते हैं इधर से और आप मल्ला ले चलथन कंकालीन भेजा मंदिर। देख सकते हो यहाँ से पूरा इस प्रकार से पूरा रास्ता में ही लगता है मेला और इस साइड भी रास्ता है, तो रास्ता भर में पूरा मेला लगा हुआ है। देख सकते हो आप मन पूरा इधर देखिए। कहाँ से आए हो आप लोग? परसोदा से हाँ। देख सकते हो संगवारी हो परसोदा से आए हैं। तो बाद में और बातचीत वगैरह करेंगे, अभी चलते हैं भाई यहाँ के मंदिर में दर्शन करवा देते हैं। ये देख सकते हो स्टार्टिंग में फूल वगैरह मिल रहा है, इधर भी नारियल वगैरह। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं तो संगवारी वगैरह मंदिर के स्टार्टिंग गेट देख सकते हो आप मन। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखा है तो आप लोगों को दर्शन करवा देंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया गया है। यहाँ पे जो है हाथ पैर वगैरह धो लेते हैं, देखिए पानी वगैरह। यहाँ से पैर वगैरह धो लिए, अब चलने वाले हैं मंदिर तरफ आप मतलब दर्शन करवा देते हैं। और ये तरफ जो है पंडवारी कार्यक्रम वगैरह भी चल रहा है तो आप लोगों को दिखा देंगे। ये है यहाँ का मेन मंदिर कंकालीन भेजा का और इधर साइड साइड में और मंदिर है। तो पहले चलते हैं यहाँ का मेन मंदिर, स्टार्टिंग में देख सकते हैं शेरावली माता। देखिए भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है दर्शन करने के लिए। ये देखिए आप मन पूरा यहाँ पे और इस साइड जो है कार्यक्रम वगैरह चल रहा है। देखिए पंडवानी कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पंडवानी कार्यक्रम चल रहा है और इस साइड होगा देव दशहरा, उधर देवी देवताओं का कार्यक्रम वही पास होगा। इस साइड काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, देखिए इधर भी हवन कुंड वगैरह है। तो अभी मंदिर में आप लोगों को दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखा है तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद दर्शन करने को मिलेगा हमें। इधर तो फोटो वगैरह खींचना मना है तो थोड़ा दूर से ही दिखा देंगे आप लोगों को, माता रानी के दर्शन करवा देंगे इधर। तो शनिवारी को मैं आ चुके हैं तरफ कंकालीन भेजा माता रानी के मंदिर में। देख सकते हो तरफ भक्तगढ़ बहुत ज़्यादा भीड़ लाइन लगा हुआ है और माता रानी का थोड़ा सा दर्शन करवा देते हैं आप मल्ला। कंकालीन माता रानी के मंदिर देख सकते हो आप लोग, दर्शन कर लीजिए।
कंकालीन माता रानी। और ये यहाँ पर मंदिर, और मंदिर के साइड में और मंदिर है यहाँ पे, तो आप लोगों को और दिखा देते हैं। इधर ये देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखा है, तो अभी चलते हैं अंदर साइड। और इधर तो भोलेनाथ जी का मंदिर लग रहा है, देखिए इधर में स्टार्टिंग में नंदी महाराज जी और काफ़ी पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अब चलते हैं। और देवी स्थल वगैरह है यहाँ पे, आप लोगों को बारी बारी से दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ का जो है हवन कुंड स्थल है, यहीं पे जो है पूजा वगैरह होता है, तो हवन वगैरह यहीं पे करते हैं। और इधर से भी साहेब को मतलब बाहर निकलने के लिए इधर जो है भैया बाबा करके है, आप लोगों को दिखा देते हैं इधर का भैया बाबा। देखिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। ये है भैया बाबा जी का मंदिर। जस्ट साइड में और मंदिर है, इधर राजा राव बाबा करके है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये है राजा राव बाबा। और इसके जस्ट साइड में और मंदिर है लिंगो बाबा करके है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये है लिंगो बाबा का मंदिर। और आप लोगों को यहाँ का मंदिर दिखा दिए हैं, और यहीं पे जो है देव दशहरा का कार्यक्रम होगा देवी देवताओं का। ये है पुजारी बाबा का मंदिर है, देख सकते हो आप लोग। सरस्वती माता रानी है, और इधर भी है जय माता रानी। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। तो संगवारी आप लहिया के पूरा ये साइड के मंदिर को दिखा डाले, अब चलते हैं इस साइड। और देखिए देवी स्थल वगैरह है इस साइड, मंदिर में एक और एंट्री गेट है, और इधर भी मेला लगा हुआ है, तो आप लोगों को बाद में दिखा देंगे, क्योंकि जो है बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो बहुत ज़्यादा देवी देवता यहाँ पे आते हैं। और इस साइड ज्योत कक्ष है, तो आप लोगों को यहाँ का ज्योत कक्ष भी दिखा देते हैं, कितना ज़्यादा ज्योत यहाँ पर जलाया गया है उसको भी दिखा देते हैं। संगवारी हो, मैं आ चुके हैं कंकालीन मंदिर के ज्योत कक्ष की तरफ। और देखिए इधर घी ज्योति है 67, तेल ज्योति है 345, और कुल ज्योति संख्या है 412 ज्योति। काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इधर। निकल था ना अब, और दिखा रहे थे ना आप मल्ला। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं भक्तगढ़। देखिए यहाँ पे सेल्फी जोन बनाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। सत्संगवारी हो, ये देख सकते हो आप लोग कंकालीन मंदिर आप मल्ला दिखा रहे हैं ना। और मंदिर के जस्ट बाहर में एक और मंदिर है हनुमान जी का, इधर देखिए।
We'll be right back.
बार।